हम लोग लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, आप लोग देख सकते हैं यहाँ का दृश्य बहुत ही वाराणसी घाट का, इसमें अभी देख सकते हैं आप लोग। हेलो दोस्तों, इंडिया टूर मस्ती में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम आप लोगों को बाबतपुर का एयरपोर्ट का पूरा वीडियो दिखाऊंगा। तो अभी देखिए हम लोग मेन चौराहे पे खड़े हैं, तो चलिए चलते हैं आगे, आप लोगों को पूरा सीन दिखाऊंगा। देखिए अभी हम लोग मेन चौराहे पे जो बाबतपुर जाने के लिए, देखिए इधर रास्ता दिया गया, गेट है, देखिए यहाँ पे पुलिस चौकी बाबतपुर, यहाँ पे देखिए यहीं से सीधे रास्ता गया है, सीधे लेकर जाएगा हम लोग को बाबतपुर एयरपोर्ट, जो कि हम लोग अभी चलेंगे बाबतपुर एयरपोर्ट का, आप लोगों को पूरा वीडियो दिखाऊंगा, तो बने रहिए वीडियो में। वीडियो करते हैं कंटिन्यू। तो दोस्तों देख सकते हैं हम लोग चल दिए हैं, तो अब वीडियो फास्ट कर रहे हैं। अभी देखिए हम लोग चलेंगे, देखिए बाबतपुर जो हवाई अड्डा है उसका ही यह पार्ट है कुछ, जो भी होगा अभी हमको पता नहीं है। अभी हम लोग चलेंगे आगे। तो देख सकते हैं दोस्तों हम लोग आ चुके हैं इस समय बाबतपुर हवाई अड्डा पर, क्योंकि आज आप लोगों को पूरा यहां का दृश्य दिखाऊंगा, जो कि लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के नाम से यह प्रसिद्ध हो गया है। पहले यह बाबतपुर के नाम से बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था, तो अब इसको लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के नाम से रख दिया गया है। दोस्तों देखिए हम लोग जब हम लोग मेन फ्रंट गेट से आएंगे, तो देखिए यहाँ पे महादेव जी का दर्शन होगा सबसे पहले। तो फ्रेंड्स देखिए इस समय हम लोग लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के ठीक हम लोग अभी मेन गेट के बाहर हैं। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले एंट्री करेंगे तो भगवान भोलेनाथ का दर्शन होगा, और नंदी जी आगे बैठे हुए हैं। और देखिए पानी कैसे चल रहा है, तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं यहाँ का दृश्य बहुत ही खूबसूरत दृश्य है। और यहाँ पे देखिए लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट का जो नज़ारा आप लोग देख सकते हैं, यहाँ से जब हम लोग देखेंगे तो पूरा नज़ारा यहाँ से आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। हेलो दोस्तों, इंडिया टूर मस्ती में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों देखिए आज हम आए हैं लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि आप लोगों के यहाँ का पूरा सीन दिखाऊंगा। तो अभी देखिए फ़िलहाल में हम लोग उसके गेट के ठीक सामने अभी खड़े हैं, तो आज आप लोगों को यहाँ का पूरा सीन दिखाऊँगा। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं इस समय हम लोग लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी, जो कि अभी हम लोग मेन गेट पर अभी खड़े हैं, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ का सीन बहुत ही सुंदर है। आप लोग देख सकते हैं ये जो हवाई अड्डा है यह हमारे वाराणसी में पड़ता है, जो कि यहाँ का यह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। अभी आप लोगों को पूरा सीन दिखाऊंगा, बने रहिएगा दोस्तों, आप लोगों को आगे ले चलते हैं। तो अभी अंदर नहीं चल रहे हैं, तो फिलहाल मैं भी बाहर बाहर का सीन आप लोगों को दिखाऊँगा लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट का। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ का सीन बहुत ही खूबसूरत है, और यहाँ का सीन आप लोग देख सकते हैं, ये लाल बहादुर शास्त्री का पूरा एयरपोर्ट का सीन आप लोगों को देख सकते हैं। देखिए अब हम लोग चलेंगे अंदर। अभी देखिए हम लोग पार्किंग में खड़े हैं इसमें, तो पार्किंग से आप लोगों को सीन दिख रहा है, देखिए कुछ इस तरह से लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट का जो सीन है आप लोग देख सकते हैं, इसमें जो पार्किंग में से सीन दिखाई दे रहा है कुछ इस तरह से आप लोग देख सकते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है यह पार्किंग लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट का। और देखिए लाल बहादुर शास्त्री जी का जो स्मारक चिन्ह बनाया गया आप लोग देख सकते हैं, इनकी प्रतिमा बहुत ही ऊँचे में बनाई गई है, और बहुत ही खूबसूरत इनका प्रतिमा बनाया गया है, आप लोग देख सकते हैं ठीक एयरपोर्ट के सामने इनका प्रतिमा बनाया गया है, क्योंकि इनके नाम से ही यह लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट का नाम दिया गया, आप लोग देख सकते हैं। और देखिए इसका सीन आप लोग, पार्किंग का जो सीन है बहुत ही खूबसूरत है,
लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट का। दोस्तों जब हम लोग देखिए पार्किंग में जब आएंगे तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कितना सुंदर बनाया गया है। यहाँ पे बैठने के लिए भी स्थान बनाया गया है। यह देखिए पूरे वाराणसी घाट का इसमें पूरा चिन्ह दर्शाया गया है, आप लोग देख सकते हैं तो कितना सुंदर दिख रहा है। और देखिए जितने भी मंदिर और प्रयाग घाट आप लोग देख सकते हैं, सभी घाट को इसमें दर्शा दिया गया है और बहुत ही सुंदर देखने में लग रहा है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण देखिए यहाँ पे आनंद कानन के लिए यह बनाया गया है, आप लोग देख सकते हैं इसका बोर्ड ऊपर है। और देखिए जो लाल बहादुर शास्त्री जी का स्मारक चिन्ह आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही ऊँचे प्रतिमा में बनाया गया है इनका जो। और देखिए ठीक इसके सामने लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट का जो आप लोग देख सकते हैं ये सामने गेट है, और इसी के अंदर समझ लीजिए जाएंगे तो हम लोग को अंदर पूरे हवाई अड्डे का वीडियो मिलेगा, लेकिन हम लोग अंदर नहीं जा सकते क्योंकि वहीं लोग जा सकते हैं जिसके पास टिकट वो बुक किया रहेगा, वहीं लोग इसमें जाएंगे। तो हम लोग केवल घूमने के लिए आए हैं, इसलिए बाहर बाहर का सीन आप लोगों को लाल बहादुर शास्त्री का आप लोगों को दिखा सकते हैं। अभी देख सकते हैं आप लोग, और देखिए यहाँ पे जो स्मारक बनाया गया आप लोग देख सकते हैं, भारत रत्न स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री पूर्व प्रधानमंत्री की प्रतिमा आप लोग देख सकते हैं, इकोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है आप लोग देख सकते हैं। और इनकी प्रतिमा आप लोग देख सकते हैं कितने सुंदर रूप से बनाया गया है, तिरंगा लगाया गया है। और सामने ठीक लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट है आप लोग देख सकते हैं, और यह पूरा पार्किंग समझ लीजिए प्रतिदिन सफाई इसमें लगा रहता है, आप लोग देख सकते हैं कितने लोग लगे हुए हैं इसमें। और देखिए इनके सामने से अगर सीन दिखाता हूं तो लाल बहादुर शास्त्री जी का देख सकते हैं, अभी समझ लीजिए प्रकाश डायरेक्ट आ रहा है इसलिए नहीं दिखाई दे रहा है साफ साफ। और देखिए इसके ठीक सामने फोर व्हीलर पार्किंग आप लोग देख सकते हैं इधर है, और इधर टू व्हीलर पार्किंग इधर है साइड में आप लोग देख सकते हैं। जो दृश्य है आप लोग देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही सुंदर है इसका दृश्य, जो कि लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट का बहुत ही सुंदर रूप से बनाया गया है यह एयरपोर्ट। इसके उस साइड में भी पार्किंग है तो उधर भी चलने का कोशिश करेंगे अभी। क्या नाम है आपका? चंद्रू सर। कहाँ से हैं? रामेश्वर। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं? मालिक का माली वाला। तो यहाँ पे घूमने के लिए अनुमति कहाँ तक कहाँ से है? बस ये बिल्डिंग के लास्ट तक। ये बिल्डिंग के लास्ट तक, उस पर नहीं जा सकते? नहीं, हैं उस पर टिकट रहेगा तभी। जो एयरपोर्ट का टिकट रहेगा, आम आदमी नहीं जा सकता है? नहीं। अच्छा, आम आदमी का भी टिकट लगता है। तो अंदर जाने के लिए टिकट लगता है? घूमने वाला टिकट अलग होता है कि केवल वही जो फ्लाई करेंगे वो जाएंगे, जिसको जाना होगा जहाँ जाना वही लोग जाएंगे अंदर। चलिए धन्यवाद। माली जो हैं यहाँ पे काम करने वाले आप लोग देख सकते हैं, उनसे हम सवाल यहाँ से पूछे हैं तो यहाँ पे पूरा विवरण हम लोग दिए हैं, बहुत अच्छा लगा उनसे बात करके हमको। अभी आगे चलेंगे, देखिए एक पार्किंग आगे भी है वहाँ पर भी आप लोगों को लेकर चलेंगे, चलते हैं आगे। फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर पार्किंग, जो कि टू व्हीलर वाहन का पार्किंग यहाँ पे है, और देख सकते हैं सामने और आगे जाएंगे तो फोर व्हीलर वाहन का पार्किंग जो आप लोग के सामने दिखाई दे रहा है देख सकते हैं आप लोग, ये पूरा पार्किंग है। जितने भी वाहन आएंगे यहाँ पे एयरपोर्ट पे सब यहाँ पे खड़े होंगे। दोस्तों ये मेरा हवाई अड्डा के वीडियो आप लोग को सामने शेयर किया हूँ। दोस्तों अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।